स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा शो में बहुत जल्द आने वाली है। 15 साल के लिए पर लीव के बाद काफ़ी सारे से एक्टर से एग्जिट लेने वाला है और ऐसे में 3 एक्टर का नाम ही सामने आया है। न्यू एक्टर की एंट्री होने वाली है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि काजल नाम की लड़की होने वाली थी, इसका लीड करेक्टर होने वाला है और इसकी अपडेट मैंने पहले ही बता दी है। और इस काजल का किरदार है कौन निभाने वाला है इसके बारे में बताऊँ तो शिवांगी जोशी का नाम है, कंफर्म बता रहा है। अभी शिवांगी जोशी है लीड रोल में, आपको अनुपमा शर्मा में कमबैक करने वाली है काजल के किरदार में। और ये 20 या 25 अक्टूबर के बाद शूटिंग स्टार्ट करने वाली है शिवांगी जोशी। और बात करते हुए दो और है एक्टर का नाम सामने आया है और ऐसे में एक तनिया हेगड़ का नाम भी आया है सामने। तनिया हेगड़ भी कंफर्म हो चुकी है। तनिया हेगड़ का करेक्टर के बारे में बताऊँ तो इसका करेक्टर का नाम परी होने वाली है। तनिया हेगड़ इसके पहले ही स्वान परी जैसा शो में काम कर चुकी है और इसमें अनुपमा शो में परी का करेक्टर निभाने वाली है तनिया हेगड़। और बात करते हुए लास्ट वाले एक्टर के बारे में तो यह है दिव्या अग्रवाल अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट दिव्या अग्रवाल को अप्रोच किया है मेकर्स ने और इस 3 एक्ट्रेस का नाम सामने आया है और ऐसे में आने वाले टाइम में पता चल जाएंगे। अभी कंफर्म नहीं हो सकता है, बहुत जल्द लीप लेने वाला है। सो और ऐसे में आपको अनुपमा शो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना और ऐसी हेयर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।